भारत सरकार से इस रेल फैक्ट्री का एक डील चालू है इसी परसा में इसी मढ़ौरा में आपको हमेशा पांच सौ फैक्ट्री दिखा देंगे जो आज से पच्चीस तीस साल पहले चलता था लेकिन आज बंद है और जब नेता लोग ये कहता है कि बिहार में जमीन नहीं है इसीलिए फैक्ट्री नहीं बन पा रहा है

अड़तालीस अड़तालीस उन्नीस सौ अड़तालीस नहीं आ, कुछ का यहां बहुत बढ़िया है नाम है न्यू मुन्ना ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट परसा ऐसी जब भी जैसे गुजरिए रेल पहिया कारखाना से तो यहाँ कलाकन जरूर खाइएगा ये परसा है परसा में अपन रुके थे खाना खाने बगल में रेल का जो फैक्ट्री है जो पहिया बनाता है वो बगल में है जो लालू यादव ने दो हजार आठ में जिसकी स्थापना की थी जिसका इनोगेशन हुआ था और जो हम खाना खाए थे तो मिठाई खाए ठीक है कलाकंद लेकिन मतलब जो होता है ना कि एक, एक कलाकंद होता है जो मिश्रित होता है और एक जो कलाकंद होता है वो शुद्ध होता है तो शुद्ध वाला कलाकंद भाई साहब खिलाए हैं और हम भाई साहब से सोचो कि पूछते हैं कि आप बताइएगा माइक पर तो बोले कि हम बता देंगे तो ये होता है एकदम छोटा ढाबा ढाबा टाइप जो गांव में नहीं होता है जहां आपको रोटी मिल जाएगा चावल मिल जाएगा सब्जी मिल जाएगा खाने के लिए वहां भाई साहब बढ़िया हमको मिठाई खिलाए तो सोचे कि इनके दुकान के बारे में बताया जाए दुकान का नाम क्या है जी आपका न्यू मुन्ना ढाबा न्यू मुन्ना ढाबा ये कैसे बनता है क्या है इसका प्रोसेस दूध खौला कर बनता है तो दूध तो मिठाई बन जाएगा ऐसे थोड़ी होता है पूरा बताइए बढ़िया से जैसे कि दूध खौलाता दूध को जला कर पूरा ग्रह किया जाता है हाँ। ग्रह करने के बाद उसमें चीनी पड़ता है अच्छा वैसे उसको जमा दिया जाता है हो गया दूध को पूरा जला देते हैं जला। चीनी पड़ता है चीनी डाल देते हैं उसको उसके बाद हो गया काला कैसे हो गया जोरते-जोरते जो तो लाल हो जाएगा अच्छा दूध बात लाल उसको दस रूपये में चार सौ रूपये के जी है चार सौ रूपए के जी एक बन जाता है एक किलो दूध में बनेगा तीन सौ ग्राम एक किलो दूध में तीन सौ ग्राम हो महंगा मतलब पूरा इसमें जला देते हैं ना, ना तो पूरा तो तो जला कर कुछ मिलावट उलाट भी करते हैं कुछ नहीं करते हुए कुछ नहीं है कुछ नहीं अच्छा होटल आप ही का है जी क्या क्या मिलता है मटन है पनीर है तड़का है अंडा करी है चावल है रोटी है जितना लोग अंदर काम करता है रेल फैक्ट्रिया में आता वो खाने इधर की नहीं आता है पच्चीस है।, है तो मतलब क्या सुविधा है महीना बांध दी होंगे आप डेली तो? सुविधा डेली वाला पैसा दीजिए रोज खाइए एक बात बताइए मैंने की बगल में फैक्ट्री होना बहुत लोग रोजगार देता होगा रोजगार यहाँ के लोग दुकान खोले है फैक्ट्री के अंदर रोजगार नहीं है किसी का फैक्ट्री के अंदर रोजगार नहीं है नहीं चल रहा है वो

सर बिहार के लोग एक दिक्कत होता है बताया गया है क्या? बिहार के लोग बात नहीं करता है इसलिए हमको लगता है ना कि बिहार के लोग ज्यादा नहीं है बाकी हम तो रेल फैक्ट्री दिखा देते हैं एक बार जहाँ ये कहा जाता है कि एक ऐसा मढ़ौरा परसा छपरा के जो लोग हैं उनके लिए बहुत सहूलियत भरा काम किया गया था और बहुत रिकॉर्ड भी दर्ज है इस रेल पहिया के नाम पे भारत सरकार से इस रेल पहिया फैक्ट्री का एक डील हुआ है कि 10 साल में ये लोग 1000 रेल इंजन बनाकर सौंपेंगे और अच्छी बात ये है कि 2021 में ये मढ़ौरा का जो रेल फैक्ट्री है परसा का ये 300 रेलवे इंजन सौंप चुका है आप समझिए कि मतलब ये अपना जो दायरा दस साल में एक इंजन सौंपना था ये तीन सौंप चुका है इसका मतलब जो इनका काम चल रहा है वो बहुत तरीके से चल रहा है और बहुत तेजी से भी चल रहा है भाई साहब ने कहा कि जो अंदर लोग काम करते हैं वो लोकल लोग काम नहीं करते हैं बाहर के लोग रोजगार मिला हुआ है

कोई दिक्कत होता नहीं है एक बार पीछे घुमा दीजिए लहलाहा ये फसल दिखा दीजिए हमारे बिहार की अपनी पहचान है और हमारे बिहार की यही खूबसूरती है यहाँ हम जाते हैं वहाँ तो हमें लहलाहाता खेत दिखता है और जब नेता लोग ये कहता है कि बिहार में जमीन नहीं है इसीलिए फैक्ट्री नहीं बन पा रहा है तो हमको लगता है कि इतना लिच्चड़ है ये लोग माने इतना जमीन है यहाँ बैठा ही ना ने नैनो का फैक्ट्री को रोका है आपको क्या और लोग बोलता है लैंड लॉक्ड है रिवर से पूरा पानी पानी से घिरा हुआ है तो इतना घिरावट असल असलियत में है नहीं आप जब घूमने निकलेंगे तो आपको देखेगा कि बिहार में बहुत कुछ है जिसके बारे में सरकार हमारी सोचती नहीं है और जिसके बारे में ये कल्पना हम नहीं कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो बिहार को कितना विकसित किया जा सकता है हमने कभी ये नहीं सोचा है तरीके से कि अगर हम चाहें तो यहाँ क्या नहीं हो सकता है हम वहीं पढ़ रहे थे रेल कारखाना के बारे में इतना बढ़िया बढ़िया स्टैट मिला हमको और बहुत मशक्कत करने के बाद इसको बनाया गया था और ये एक हजार जो दस साल का करार हुआ है इसका भारत सरकार के साथ कि दस साल में इसको एक हजार इंजन बनाकर देना है तो ये एकदम टाइमली चल रहा है मतलब इनको सौ इंजन हर साल बनाना था इस फैक्ट्री को और ये फैक्ट्री हर साल में सौ इंजन बना भी रहा है ऐसे ही मान लीजिए कि अलग अलग राज्य के अलग अलग इन्वेस्टर्स को अलग अलग देश के इन्वेस्टर्स को हम बुलाते हैं बिहार में और यहाँ पे इंडस्ट्री खोलते हैं तो सोचिए कितना मजा आएगा आप बस एक बार ये सोच कर देखिए कि बिहार के लोग को बिहार में रोजगार मिल जाएगा तो कितना बेहतर रहेगा हैदराबाद में एक ग्यारह लोग जल मर गया था वो ऐसा जला था कि उसका डी एन करना पड़ा या पता करने के लिए कि उसका नाम क्या है और वो कौन है आप सोचिए कि अगर यहाँ पर फैक्ट्री खुल जाए छपरा मढ़ौरा गोपालगंज पूर्णिया कटिहार बेगूसराय सराय सब में मुकामा में बाढ़ में पटना में यहां अगर हम इंडस्ट्री बनाते हैं तो बिहार का लोग जो

माइक देख कर बिहार के लोग बोलता बोलता नहीं है तो यही है मतलब ग्राउंड वाला बिहार जिसको हम लोग बहुत रौव देखना चाहते हैं रौ देखना चाहिए आती जाती बूढ़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि अपना वही। उनका है? बेटा अपना घर 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 है है उनका नहीं इसके बारे में आप विश्लेषण नहीं कर सकते हैं और सारे लोग जो यहाँ पर है मतलब इसी आस में है इस बिहार के सारे युवा सारे लोग बूढ़े बुजुर्ग कि जो हम लोग बाहर देखते हैं बाहर के राज्यों में काश यहाँ भी हो जाता है इस असली बिहार को देखना ग्राउंड पर जाकर इसलिए सुखद होता है ताकि हम और आप ये समझ सके कि हम कैसे विकसित हो पाएंगे और कैसे धीरे धीरे ही सही हम उस पैमाने पर पहुंच पाएंगे जिसकी कल्पना कभी हमारे उन बड़े नेताओं ने की थी बाकी असलियत क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं लंती में फिर से दिखा दीजिए भाई रेल पहिया कारखाना बेला ये देखकर खुशी होती है कि चलिए कम से कम बिहार में ऐसा तो कुछ है जिसमें जिसके अंदर अभी भी काम हो रहा है बिहार के बंद पड़े फैक्ट्रियों के लिए शायद ये एक उदाहरण होगा कि चलिए कम से कम अभी तो चल रहा है बाकी यहाँ कलाकंद बहुत बढ़िया है नाम है न्यू मुन्ना ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट परसा से जब भी जैसे गुजरी है रेल पहिया कारखाना से तो यहाँ कलाकंद जरूर खाइएगा और कलाकंद खाने का जो प्रचार हम कर रहे हैं इसके लिए हमको एक भी पैसा नहीं मिला है बकायदा खाए उसका पैसा भी दिए हैं मेरा नाम प्रशांत राय है आप जनता निरीक्षण देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद